हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेक क्लिक पर। मैं आपका दोस्त दर्शन मकवाना हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था मौज लाइट एप्लीकेशन में कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में सिलेक्शन हो गया है। तो उस वीडियो के नीचे मुझे कई सारे कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स को मैं कुछ कमेंट्स को पिक करने वाला हूँ और उसमें से मैं उनकी प्रोफाइल क्रिएटर की देखने वाला हूँ लाइव में कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी कमेंट मुझे इस तरह से आई। इनमें से फर्स्ट में पाई है जिनका नाम है मिलन कर। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था इस वीडियो के नीचे कि भाई मेरी आईडी है मिलन कर और मुझे लिखा हुआ आ रहा है वेल बिगन इज हाफ डन, तो मेरी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है आप मुझे चेक करके बताइए। तो मैं आज आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। उसके साथ ही दूसरे भाई का कि भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया, इनका नाम है एनिक शाह। इन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम फेस किया कि भाई मेरा एमएफसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या है ऐसा आ रहा है। और उन्होंने अपने प्रोफाइल की लिंक भेजी मुझे और साथ ही साथ वेल बिगन इज हाफ डन लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, काफी सारे अभी जो क्रिएटर मौजे पर काम कर रहे हैं वो 1 महीने से काम कर रहे हैं, 15 दिन से, 3 महीने से, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और मैंने नई प्रोफाइल बनाने के साथ ही 7 डेज में सिलेक्शन कैसे कर लिया, वो वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पर अब बात आती है कि क्या एक्चुअल में क्रिएटर प्रॉब्लम कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल में जिसकी वजह से उनको वेल बिगन इज हाफ डन लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो क्या ऐसी गलती करते हैं जो गलती आपको अभी नहीं करनी अपने प्रोफाइल में। वो गलती सुधार लोगे तो आपका भी 110% एमएफसी में सिलेक्शन हो जाने वाला है और आपको भी कॉल आएगा, मौज बड़ी मिलेगा और आप भी अच्छे खासे मिनट्स कमाने लगोगे। तो इससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर लीजिए। आपको कोई भी एमएफसी से रिलेटेड दिक्कत आती है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि क्या गलती की है। तो अब हमने प्रोफाइल ओपन कर ली है अनिक शाह की, जो कि है एक सिंगर। तो आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल पे बहुत ही अच्छे वीडियोस इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो बारी बारी से हम इनके वीडियोस देखने वाले हैं और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है इनकी प्रोफाइल में जिसकी वजह से इनको वेल बिगन इज हाफ डन लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, फर्स्ट वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकता हूँ मुझे इन्होंने लिपसिंग की है और यहां पर देख लेते हैं ये गलती फर्स्ट में कि दूसरी ऐप से वीडियोस बनाकर पोस्ट किए हैं। तो फर्स्ट आपको कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है, दूसरी ऐप से वीडियोस नहीं बनाने हैं, गैलरी से वीडियोस अपलोड कर सकते हो, पर इन्होंने कोई लिपसिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस नहीं चलेंगे। आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब तीसरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें अच्छी लिपसिंग हो गई है और इनमें इस यूनिक शाह ने बोला है कि हाय गाइस, मैं यहाँ पर अच्छी सिंगिंग करता हूँ, मुझे फॉलो करो। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपके फॉलोअर्स ऑलरेडी बढ़ेंगे। उसके बाद लिपसिंग की है और यहां से इन्होंने 3 या 4 वीडियोस डाले हैं अपने सिंगिंग के। तो दोस्त मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिंगिंग करते हो तो आपके आवाज में अच्छी है, आपकी आवाज सिंगिंग अच्छा कर लेते हो तो आपके सारे आपके आवाज में ही वीडियोस डालनी है, दूसरे के आवाज में लिपसिंग नहीं करनी है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिर्फ 12 ही वीडियोस डाले हैं। तो जब आप एमएफसी के लिए अप्लाई करते हो तो डेली आपको फर्स्ट में मौज कैमरे से 5 वीडियोस डाल देनी है, उसके बाद डेली आपको 3 वीडियोस डालनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर आप 7 डेज भी रेगुलर रहते हो, डेली 3 वीडियोस डालते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको
कॉन्स्टिट्यूएंसी रखना है और यहाँ पर कुछ एक्टिंग करनी है, आप लिप सिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, तो उस तरह का कंटेंट आपको बना देना है। इस भाई ने क्या गलती की, कभी ये किया कभी वो किया, इसमें एक्सप्रेशन नहीं दी, कभी उस ऐप से उठाकर तो डाले पर आप कुछ लिप सिंग कीजिए तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रेगुलर नहीं है, फर्स्ट पॉइंट रेगुलर रहना जरूरी है, डेली 3 वीडियोज डालना है। तो इस भाई ने वीडियोज 3 नहीं डाले तो इनकी वजह से इनका वेल बिगनिंग हाफ डन आ रहा है। तो इस भाई को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको डेली 3 वीडियोस डालने हैं, आपको 30 दिन दिखा हुआ रहा है, मतलब कि वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब होता है कि आपकी प्रोफाइल चेक हो रही है, आप डेली वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे इसलिए आपकी प्रोफाइल अधूरी छोड़ के मोज टीम दूसरों की प्रोफाइल चेक करने लगी है। तो आप कंसिस्टेंसी रखें, डेली 3 वीडियो पोस्ट करें, फिर से आपकी प्रोफाइल चेक होगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। तो अब बात आती है हमारे दूसरे क्रिएटर के ऊपर, तो उनका नाम है मिलन कर वन। तो इनकी प्रोफाइल हम देख लेते हैं, तो आ गई इनकी प्रोफाइल। तो यहाँ पर बायो लिखा हुआ है क्यूट ब्यूटीफुल, चलो ये तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं, तो ये भाई लिप सिंक कर रहे हैं, ठीक है, दो वीडियोस देखे। अब आप देख सकते हो ये भाई चल रहे हैं और उसके बाद सॉन्ग चल रहा है, कुछ भी एक्टिंग लिपसिंग कुछ भी नहीं कर रहे, आप देख सकते हो। तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा अपना, अगर लिपसिंग आपको नहीं आता है तो जिस भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, आपको कुछ करना आता है वो करिए, क्योंकि कुछ आप मुंह भी नहीं हिला रहे हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही डाउन है, यहाँ पर मौज का लोगो भी लिखा हुआ है, तो मौज से डाउनलोड करके ही दूसरी बार वीडियो पोस्ट करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हो ये भाई की क्या गलती है, बाल सीधे कर रहे हैं। तो अगर आप लिप सिंक करना चाहते हो तो लिप सिंक करने के लिए आपको एक्टिंग एक्सप्रेशन देना है अपने चेहरे के, कुछ हाव भाव देने हैं वीडियोस में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और भाई ने कभी ये वीडियो डाला है कभी वो वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। आजादी का वीडियो डाला है, ये कोई बात नहीं, पर आप किसी एक कैटेगरी में लिपसिंग कर रहे हो तो लिपसिंग अच्छी तरह से कर रहे पाए बहुत ही, पर इन्होंने रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं की, इन्होंने भी यही गलती की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सिर्फ 23 वीडियोस पोस्ट किए। आप देख सकते हो इनके फॉलोअर्स भी अच्छे है, पर MFC में इन्होंने अप्लाई करने के बाद सबको मैसेज करे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो, वेल बिगनर्स हाफ डन लिखा हुआ है। पर आप रेगुलर रहिए, रेगुलर रहोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। डेली 3 वीडियोस डालने हैं, आपकी प्रोफाइल अंडर रिव्यू में चेक हो रही होती है पर आप पोस्ट नहीं करते हो, आपको बस सिलेक्शन चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली 3 वीडियोस डालने हैं, मौज कैमरे से 5 वीडियो डालने के बाद एक्टिव रहना है, कि किसी दूसरे के वीडियो कॉपी नहीं करनी है, खुद से मेहनत करनी है, किसी एक कैटेगरी में एक लैंग्वेज में पोस्ट करनी है, डेली वीडियोस बनाने हैं, फिर आपका जाके सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो बस यही प्रॉब्लम थी कि वेल बिगन इज हाफ डन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी आधी प्रोफाइल चेक हुई है और आधी प्रोफाइल चेक होनी बाकी है। तो अगर आप वीडियोस ही पोस्ट नहीं करोगे तो मोज टीम भी नाराज हो जाएगी कि ये बंदा मेहनत नहीं कर रहा है तो इनका सिलेक्शन कैसे करे। तो दोस्तों एक्टिव रहो अपनी प्रोफाइल पर, आपने अप्लाई करके छोड़ दिया तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, डेली 3 वीडियोस डालने होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका भी मिलन भाई, आपका भी सिलेक्शन हो जाने वाला, पर आप कुछ मेहनत किए, एक्सप्रेशन दीजिए वीडियोज में, अच्छी हाई क्वालिटी में वीडियोज बनाइए, लाइटिंग प्रॉपर में, प्रॉपर बैकग्राउंड में वीडियो बनाए, बस ऐसे मुंह फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत कीजिए दोस्तों। तो बस दोस्तों वेल बिगन इज हाफ डन का बस यही प्रॉब्लम था। अगर आपके भी प्रोफाइल पर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल भेजिए, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपकी प्रोफाइल में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर देना।